दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप छोटी सी जगह में बढ़िया प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे इस बाथरूम में एंट्री करने से सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों वाश बेसिन का पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर वाश बेसिन का पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बढ़िया प्लानिंग मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों बेसिन का जो वॉश पाइप का सेंटर है दोस्तों फ्लोरिंग का टॉप लेवल से 20 इंच रखा हुआ है, यहाँ पर 20 इंच आप देख सकते हो। और साथ ही साथ गर्म ठंडा का पॉइंट भी यहाँ पर दोनों वो भी 20 इंच में रखा हूँ। और साइड वॉल से इसका जो सेंटर है दोस्तों बेसिन का सेंटर यहाँ पे 1 फीट रखा हूँ, क्योंकि बाथरूम काफ़ी छोटा है उसमें सब कुछ आ रहा है, जैसे बेसिन कॉमोड और बाथ एरिया तो सब कुछ आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट में 5 इंच और राइट में 5 इंच सेंटर टू सेंटर यहाँ पर किया हूँ इसका पॉइंट बेसिन के लिए, पॉइंट एल्बो का। उसके बाद में जो सब लाइन है यहाँ पर सब लाइन दोस्तों ऊपर फॉल सीलिंग से आया है, और ऊपर जो दोनों मेन लाइन है मीठा और खारा का सब में दोनों में बॉल भाव दिया गया है। यहाँ पे बॉल भाव लगाया हूँ क्योंकि बाद में सेपरेट कनेक्शन चालू पानी जो है बाद में सेपरेटली चालू बंद हो सके। उसके बाद में पूरा लाइन जो है चिमनी क्लैंप से होकर यहाँ पर जैसा जिसका लाइन गया है, जैसे बेसिन के लिए और गर्म बेसिन के लिए और दोस्तों डाइवर्टर के लिए सब में सीधा सीधा लाइन घीसी में टी और 45 मारकर यहाँ से उतरा है। गरम ठंडा का पॉइंट, पानी का कनेक्शन आप देख सकते हो। बेसिन के लिए सीधा घीसी में आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब बाद में यार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइन हमेशा ऊपर से नीचे आता है तब। और ये जो बाथरूम का साइज़ है दोस्तों, बाथरूम चौड़ाई में इसका 5 फीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका मैं आपको नाप कर बता रहा हूँ। और इसका जो है लंबाई में मैं इसको अभी नाप रहा हूँ दोस्तों, 5 फीट इसका चौड़ाई में आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों जो इसका लंबाई में आ रहा है दोस्तों 7 फीट 4 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो 7 फीट 4 इंच मतलब 7.5 फीट बाई 5 फीट का ये बाथरूम है, तो इसमें सब कुछ आ रहा है जैसे वॉश बेसिन यहाँ पे। दोस्तों कैसे आप ऐसे अगर आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप करोगे तो सब कुछ कम्फर्टेबली आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 फीट सेंटर, उसके बाद में उसके सेंटर से बेसिन का जो वेस्ट है उसके सेंटर से दोस्तों कॉमोड का जो पॉइंट है यहाँ पर 30 इंच, ताकि यहाँ पे जो जगह है दोस्तों यहाँ पे कॉमोड के लिए आप आसानी से इसको यूज कर सको, कोई नड़े ना। और यहाँ पे दोस्तों इसके लिए एक बीपको का पॉइंट दिया गया है फ्लोरिंग का टॉप लेवल से 15 इंच में, यहाँ पे वोटले के साथ में। और यहाँ पे वालिंग के लिए दोस्तों पॉइंट है, यहाँ पे वेंट का पॉइंट जो है आपको फ्लोरिंग का टॉप लेवल से आपको 9.5 रखना है, 8.5 से लेकर आप 10 तक इसका रख सकते हो हाइट के हिसाब से। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में जो 30 इंच था उसके बाद में प्लास्टिंग का सेंटर से यहाँ पर जो डाइवर्टर का सेंटर है यहाँ पे 25 इंच यहाँ पे इसका जगह बच रहा है इसका सेंटर। तो यहाँ पे जो टोटल जगह है यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा डाइवर्टर एरिया कितना टोटल यहाँ पे जगह बचता है यहाँ पर। और इसके लिए स्पाउट का जो पॉइंट है दोस्तों फ्लोरिंग का टॉप लेवल से यहाँ से यहाँ पर 600 mm में रखा हूँ। और डाइवर्टर का जो सेंटर है फ्लोरिंग का टॉप लेवल तो 36 इंच में इसका सेंटर रखा हूँ इसका हाइट। और यहाँ पे बाद में दोस्तों सीलिंग शावर आ जाएगा इस बाथरूम में, रेन शावर आ जाएगा ऊपर से सीधा फॉल सीलिंग से यहाँ पे। और ये जो है पूरा ऊपर जो जितना फॉल सीलिंग का लाइन है बाद में कवर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इस बाथरूम में टोटल 1 पीट्रैप का पॉइंट है इसका वेस्ट वाटर का पानी जाने के लिए, क्योंकि बाथरूम काफ़ी छोटा है इसमें 2 पीट्रैप का देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले इसमें वॉश बेसिन आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे कॉमोड एरिया आ रहा है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे शावर एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों वोटला बना है कॉमोड के लिए, उसके बाद में उस वोटले के साइड से दोस्तों उस वाल तक इस बाथरूम का वाल तक जितना जगह बचता है उसका सेंटर में यहाँ पर ये डाइवर्टर का पॉइंट आ रहा है, तो आप आसानी से नहाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो जगह है लगभग 234 इंच का जगह बचा है, तो कॉमोड का मतलब पाले के बाद भी वहाँ पे 34 इंच का जगह बचा है, तो आसानी से उसमें आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे कोई नड़ेगा नहीं। और पूरा जो लाइन है यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिंग के लिए एक खारा पानी का लाइन सेपरेट है, उसके बाद में दोस्तों गर्म ठंडा का पॉइंट बेसिन के लिए आया है और साथ ही साथ डाइवर्टर के लिए भी गया है। और यहाँ पर दोस्तों बाथरूम में कोई गीजर का कनेक्शन नहीं है, गीजर नहीं लगेगा, सीधे यहाँ से दोस्तों चौकड़ी में गीजर का पॉइंट गया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 बाथरूम और है तो एक साथ 3 बाथरूम का गीजर का पॉइंट यहाँ से चौकड़ी से होकर जाएगा पानी यहाँ से, आप देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, बाय बाय।